कौन करवाना चाहता है शहनाज का प्रमोशन हिमांशी खुराना से? कौन चाहता है कि हिमांशी खुराना भुला दूंगा सॉन्ग को प्रमोट करे? जी हाँ, कुछ ऐसी चैट सोशल मीडिया पर हिमांशी खुराना की मैनेजर ने डाली है, जिसको अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप भी सुनकर शॉक हो जाएंगे। निधि ने एक ट्वीट किया है, वही निधि जिनके बारे में कल हिमांशी ने कहा था कि वो सिर्फ मेरी मैनेजर ही नहीं है, वो मेरे साथ हर तूफान में साथ खड़ी रही, उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो उनकी मैनेजर से बढ़कर उनकी एक दोस्त की तरह है, बहन की तरह है। तो निधि ने ये डाला, डोंट नो व्हाट यू गाइस अप टू, पीपल आर डाइंग एंड आप लोगों का बिग बॉस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, गेट सम गुड वर्क, और नहीं है तो इंडल्ज यूर सेल्फ इन प्रेयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बट डूइंग दीज थिंग्स यू कांट स्टॉप मी फ्रॉम रिवर्टिंग द क्वेरीज। तो कहीं ना कहीं वो मैनेजर है, उनके पास सारे काम की क्वेरीज जाती है हिमांशी के लिए, और हिमांशी ने खुद अपने सोशल हैंडल पर इनका नंबर शेयर किया हुआ है, क्योंकि आपको मैनेजर के थ्रू ही जाना पड़ता है किसी भी आर्टिस्ट के पास। तो उनके पास काम की क्वेरीज किस तरह की आ रही है मैं आपको बताती हूँ। एक उनको मैसेज कहता है कि निधि मैम, हमें आप बताइए कि हिमांशी मैम एक प्रमोशन का कितना लेती हैं, एक अच्छा प्रोजेक्ट है टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर ट्विटर पर प्रमोट करना है। तो निधि ने जवाब दिया कि आप बताइए कि क्या प्रोजेक्ट है, उसके बाद हम प्राइस डिस्क्लोज करेंगे। सामने वाले ने इस शहनाज की तस्वीर भेजी और कहा भुला दूंगा सॉन्ग को प्रमोट करना है। निधि ने जवाब दिया, हिमांशी की मैनेजर निधि ने, डू यू सीरियसली थिंक शी नीड्स एनी काइंड ऑफ प्रमोशन, शी इज डूइंग वेल, स्टॉप स्प्रेडिंग हेट एंड पीस। तो सामने वाले ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपके इस पॉजिटिव आंसर से, मेरा मूड खराब था इसलिए मुझे लगा मैं ऐसा कुछ आपको मैसेज भेजूं। ठीक है, फिर एक और मैसेज आता है जिसमें वो कहते हैं कि हमें एक सॉन्ग करना है हिमांशी मैम के साथ। तो निधि ने जवाब दिया, पहले डिटेल बता दीजिए, सिंगर कौन है, डायरेक्टर कौन है, लिरिसिस्ट कौन है, उसके बाद मैं आपको जवाब देती हूँ। तो उनको सामने से जवाब आता है कि अरे कोई बात नहीं, डायरेक्टर ने सोचा है कि अब वो आसिम और सना को कास्ट कर लेंगे, वी आर रियली सॉरी। तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले जो है इस तरह के जो मैसेज भेज रहे हैं आसिम के नाम से, सना के नाम से, वो जो है सीरियसली काम के लिए इंक्वायरीज नहीं है, ये परेशान करने के लिए भेजी जा रही इंक्वायरीज है। और निधि का ये कहना है कि आप मुझे जितना भी परेशान करने की कोशिश करेंगे इस तरह के मैसेजेस भेज के, उसका कोई फायदा नहीं होगा। और उन्होंने उसकी चैट भी जो है शेयर की है। निधि ने उन्हें भी जवाब दिया कि अगर आपके पास काम नहीं है तो पहले काम ढूंढिए, और आप अगर इस तरह की इंक्वायरी करते हैं सॉन्ग के लिए, तो रैंडम सॉन्ग के लिए फॉर द सेक ऑफ मनी, लेट मी टेल यू, वी आर इनटू क्वालिटी वर्क एंड नॉट क्वांटिटी, इट्स अ फ्री एडवाइस फॉर यू गाइस और यूर फेक डायरेक्शन टीम। जब भी किसी को अप्रोच करना हो, पूरी डिटेल्स हो तभी करना। मुझे लगता है कि सन और आसिम भी सबसे पहले आपसे डिटेल्स ही मांगेंगे, उसके बाद काम करेंगे। एवरी वन इज डूइंग गुड इन हिज हर करियर, डोंट नो वट यू गाइज अप टू, और यू डोंट हैव एनी वर्क टू डू बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। भाई दुनिया मर रही है, इतने इंसिडेंट हो रहे हैं, कुछ तो करो, कुछ तो शर्म सोच लो, टाइम को अच्छी जगह यूटिलाइज करो, कोई प्रेयर ही कर लो। तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि सारी चीज़ें जो हैं जानबूझ के उनको इस तरह के चैट भेजे जा रहे हैं परेशान करने के लिए, सना के नाम से, आसिम सना साथ में प्रोजेक्ट करेंगे, भुला दूंगा को प्रमोट करो। तो जाहिर सी बात है कि ये जो चीज़ें हैं वो जानबूझ कर हो रही हैं। कौन कर रहा है, किसके नाम से भेज रहा है, इस बात का निधि ने भी खुलासा नहीं किया, क्योंकि कोई भी हो सकता है जो उन्हें इस तरह की चैट भेजे। लेकिन ये एक बात साफ है कि कल हिमांशी ने क्लियर किया और अब निधि ने भी, कि इस तरह की चीज़ें जो है उन्हें काफ़ी परेशान कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चैट्स मैंने आपको बताई, इसके स्क्रीनशॉट्स खुद निधि ने भी शेयर किए, कौन हो सकता है, कौन इस तरह की हरकतें करेगा? आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।